Welcome to my channel Science with Mousmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science Class 8, Chapter 17, Stars and the Solar System, Part 1. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So today we are going to start our chapter Stars and the Solar System. Iska 4 part rahega. Now we will start. पार्ट वन. चंदा मामा, सूरज चाचा, ट्विंकलिंग स्टार्स, ये सारे सुन के वी आर वेरी मच फैसिनेटेड बाय ऑल दीज वर्ड्स. व्हाई? बिकॉज आवर ग्रैंड पेरेंट्स हैव टोल्ड अस सो मेनी स्टोरीज अबाउट देम एंड वी आर लिसनिंग टू देम फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. सो मेनी क्वेश्चन स्ट्राइक्स टू आवर माइंड, स्पेशली टू योर यंग माइंड, कि क्या क्या क्वेश्चन होता है. How far is this sun? Can we reach moon? हम moon हमारे हाथ में आ जाता, हम उसे पकड़ लेते, ऐसा लगता है ना आप लोगों को. What are the stars actually? तो today we'll put light on some of the points. We'll discover some new facts regarding these stars, moon and the other things we find in the night sky. So in this chapter we are going to discuss about the moon, its surface, the stars, then constellation, the solar system, the sun, the planets, asteroids, comet, meteor, meteorites, artificial satellites and iska utilities. So let's start from the beginning. Okay, stars and the solar system. Ye solar system kya hai? In class 7th geography first chapter we know somewhat about this. It's not quite new to us. तो फिर सोलर सिस्टम के बारे में, स्टार्स के बारे में हमने क्लास 7th में ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़े हैं. तो आइए और कुछ बातें जान लेते हैं. पहली एंड हुजो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक. आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन टू द रूफ ऑफ द हाउस. तो पहली हुजो, आप जैसे एक बॉय और गर्ल है, आप छुट्टियों में क्या करते हो? अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के घर खुशी खुशी चले जाते हो और वहाँ बहुत सारे मस्ती मनाते हो. आपका कुछ भी परेशानी नहीं होता, आपके पास पढ़ाई नहीं होता, तो फुल मस्ती होता है. तो खाना खाने के बाद आफ्टर डिनर दे वेंट अंडर द रूफ ऑफ द हाउस. तुरंत आप चले जाते हो छत के ऊपर. इट वॉज ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट. दे वर सरप्राइज टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई. जैसे ही रात को खाना खाने के बाद वो लोग ऊपर गए, अरे सो मेनी ब्राइट स्टार्स, कैसे कि चंदा सितारे सारे चमकने लगते हैं, दिखने लगते हैं, और ये सारे देखकर आपको बहुत खुशी होती है. दे हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी. अरे गांव के लिए कि तो ये आम बात है, पर जो लोग सिटी में रहते हो, आप लोगों के लिए ऐसा एक सीन देखना बहुत मुश्किल है. तो पहली वंडर व्हाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज. हर ग्रैंड पेरेंट्स एक्सप्लेन दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट, स्मोक एंड डस्ट द स्काई इन द बिग सिटीज इज रेयरली क्लियर. तो फिर पहली को ये देखे बहुत आश्चर्य सा महसूस हुआ कि गांव के विलेज का जो स्काई है ये इतना हमारे सिटी जैसा स्काई क्यों नहीं है. यानी कि गांव का जो स्काई वो अलग होता है और सिटी का स्काई अलग होता है. अरे स्काई तो स्काई है, ये तो कंटिन्यूसली हमारे हेड के ऊपर डिसकंटिन्यूसली रहता है, तो फिर ये अलग अलग कैसे हुआ? जरूर अलग होता है. और इसका जवाब दे रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स, बोल रहे हैं कि जो शहर का स्काई होता है उसमें बहुत सारे स्मोक होता है, क्योंकि जान वाहन जो है व्हीकल्स बहुत सारे होते हैं, तो उनके जो स्मोक होते हैं, तो स्मोक डस्ट और ब्राइट लाइट्स होते हैं, हाई टावर्स में लाइट होते हैं, तो उनके नीचे स्काई का मज़ा नहीं आता. द स्काई इन बिग सिटीज इज रेयरली क्लियर, ये और क्लियर नहीं रहता. आधी जैसे धुआं धुआं स्मोकी लुक देता है और क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता एज इट इज इन विलेजेस. ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरीज. तो फिर सिर्फ स्काई में बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रहे थे, ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहे थे, तो उनको दिखा के वो स्टोरी बोलने लगे. एसोसिएटेड विद देम नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी ए फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट ए प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमोसफियर इज क्लियर. अरे ये आकाश के देखने का मजा कुछ और ही है जहाँ पर वो क्लियरली दिखता है, पर ये तो सिटी में क्लियर दिखेगा नहीं,
तो गांव की अगर आप जाओगे तो फिर रात में ये नाइट स्काई जरूर वॉच करना, क्योंकि अंधेरी रात में जब क्लियर स्काई देखोगे आपको बहुत मजा आएगा. लुक एट द स्काई ऑन ए डार्क क्लियर नाइट, यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद काउंटलेस स्टार्स, सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट. ऑब्जर्व देम केयरफुली. अगर आप देखेंगे स्काई को नाइट में गांव में जाकर, एक क्लियर नाइट आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर ढेर सारे आपको चमकते सितारे मिलेंगे. उनमें से कुछ बहुत ब्राइट दिख रहा होगा तो कुछ है जो दूर थोड़ा थोड़ा सा लाइट देता होगा. तब आप ये सभी को गौर से देखिए. तो फिर क्या हुआ आगे, डू ऑल ऑफ देम इफ यू आर टू ट्विंकल, क्या सारे ऐसे चमकते हुए दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कुछ ज्यादा और कुछ कम. डू यू फाइंड एनी स्टार्स लाइक ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट ट्विंकल, क्या आपको ऐसा भी कुछ स्टार दिखा जो कि ट्विंकल ना करता हो? द ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स, अरे जो ट्विंकल नहीं करता वो कुछ और नहीं बस प्लैनेट ही है. तो प्लैनेट क्या है? जैसे आपका अर्थ है एक प्लैनेट जो कि स्टार्स नहीं है, तो फिर ऐसे प्लैनेट आपको मिलेंगे 8. द मून इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, अगर आप एक रातों में देखें तो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ कौन दिखेगा? आपको मून दिखेगा, वो पूरा ब्राइटेस्ट दिखेगा. द स्टार्स द प्लैनेट्स द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, तो फिर ये सारे ऑब्जेक्ट, कुछ चमकते सितारे दिखे, कुछ कम चमकते सितारे दिखे, आपको मून दिखा, ये सारे को हम अगर एक ही टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वो है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो फिर स्काई में ये सारे को अगर एक ही नाम दिया जाएगा तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है? जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, आगे भी आप पढ़ेंगे तो ये कॉमेट, एस्टेरॉयड्स, ये सारे हमारे हो जाएंगे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, महाजागतिक वस्तु बोलते हैं. तो द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, ये सारे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कितने दूरी पर है, इनका नेचर क्या है, ये सारे का स्टडी करना, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी. सो व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है? जैसे मून, स्टार, सन, कॉमेट, एस्टेरॉयड्स, ये सारे हो गए हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, और इन्हीं का स्टडी करना इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी. इन एंशियंट इंडिया आवर एंकेस्टर्स परफॉर्म्ड मेथोडिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्काई, देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस्ड फॉर देयर टाइम. तो हमारी प्राचीन भारत में हमारी पूर्वजों ने ये एस्ट्रोनॉमी में परफेक्ट हैं, वो बहुत सारे स्टडीज किए हैं और उनका नॉलेज बहुत ही एडवांस था उसी ज़माने में. यानी कि अमेरिका और बाकी सारे कंट्री को देखें तो हमारे इंडिया की जो साइंटिस्ट थे उनका स्टडीज बहुत ही परफेक्ट था. पीसेज ऑफ द सन, स्टार्स, मून एंड प्लैनेट्स इन द स्काई हेल्प देम टू डिवाइस कैलेंडर्स एंड अल्मेनेक्स. तो फिर ये सूरज की, चंदा की और तारों की गतिविधियाँ, ये सारे को मिलाकर फिर कैलेंडर और अल्मेनेक्स ये सारे प्रस्तुत किए जाते हैं. दिज वर ऑफन यूज बाय पीपुल इन देयर डे टू डे कंडक्ट एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न्स फॉर टाइमली सोइंग एंड चॉइस ऑफ क्रॉप्स फिक्सिंग द डेट्स ऑफ सीजन्स एंड फेस्टिवल्स. तो फिर जैसे अरे चंदा और सूरज को देख के क्यों ये सारे हमारे कैलेंडर प्रस्तुत होता है? जैसे देखो एक दिन किसको बोलेंगे? एक दिन कि हमारे अर्थ, ये हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे कि वन डे किसको कहेंगे, वन मंथ किसे कहेंगे, वन ईयर किसे कहेंगे. रफली तो ये आपको मालूम ही है सूरज के चारों ओर एक बार प्रदक्षिण करने का वो वन ईयर हो जाता है. अपनी हमारे अर्थ अपनी और चारों अपनी एक्सिस के चारों ओर एक बार घूमना उसे वन डे कहते हैं, 24 आवर्स. तो फिर इसे सारे डिटेल कैलकुलेशन होता है और उस हिसाब से हमारा कैलेंडर प्रस्तुत होता है कि फुल मून डे, फिर न्यू मून डे कौन सा होगा, ये सारे. और फिर भी बहुत सारी बातें जैसे कि कौन सा दिन से कहाँ, कौन सा डेट से कहाँ तक हमारे रेनफॉल होगा, उसी हिसाब से हमारे फार्मर्स लोगों ने अपना फार्मिंग का काम शुरू करेंगे और उसी हिसाब से कब बारिश ख़त्म होगा, उससे पहले अपना सारा ख़त्म करेंगे काम, उसी हिसाब से वो अपना प्लान कर पाते हैं. आइए पढ़ते हैं द मून. तो चंदा के बारे में हमको पढ़ना है. चंदा मामा को आप रोज अपनी स्काई में देखते हैं और आपको जब देखते हैं लगता है काश चंदा मेरे हाथ आ जाता, ये
बच्चों को कहा जाता है कि देखो ये सिल्वर का थाली जैसे दिख रहा है ना, तो फिर क्या रियल में सिल्वर का थाली है? आइए चलिए डिटेल में जानते हैं। ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूअसली फॉर सेवरल नाइट्स, प्रिफरेबली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट। आपको अगर चंदा के बारे में पढ़ना है तो फिर आपको कुछ ही दिन तक ये लगातार ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आखिर ये चंदा के साथ क्या हो रहा है, वो दिखने में कैसे दिख रहा है। आपको दो चीज यहाँ पर मार्क करना है, क्या देखना है कि मेक ए स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून। फुल मून डे से होके आपको चंदा की एक चित्र बनाना है, उसका एक स्केच बनाना है कि वो उसका साइज और शेप क्या है, और फिर क्या करना है। और ये आप शुरू करेंगे फुल मून डे से। ऑल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई ईस्ट और वेस्ट इन विच द मून इज सीन। तो फिर आपको दो चीजें देखना है। आप ये स्टडी कब शुरू करेंगे? एक पूर्णिमा के दिन से, जिसे कहते हैं फुल मून डे से शुरू करेंगे कि फुल मून डे उसका आकार कैसा था और वो स्काई की कौन सा पार्ट में दिखाई दे रहा है, ईस्ट में या वेस्ट में। जैसे आपको पता है सूरज कहाँ दिखाई पड़ता है? ईस्ट में। कहाँ उसका अस्त होता है? वेस्ट में। तो फिर आपको ये देखना है कि चंदा किस दिशा में दिखाई दे रहा है और उसका शेप क्या है। ये दो चीज आपको लगातार ऑब्जर्व करना है और उसका एक स्केच भी बनाना है ताकि आपको धीरे धीरे पता चले, नहीं तो आपको लगेगा कि कुछ भी तो नहीं हुआ, देखो पहली कर रही है। Is there a change in the shape of the moon every day? Are there days when the shape of the moon appears to be perfectly round? Are these days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear? तो फिर ये तीन चीज आपको ये देखना है कि क्या धीरे धीरे ये मून का शेप जो है क्या ये चेंज हो रहा है? क्या एक ऐसा दिन है जहाँ पर ये परफेक्टली पूरा गोलाकार है और किसी दिन ऐसा है कि स्काई पूरा क्लियर है पर मून दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा नहीं कि कुछ क्लाउड ढक दिए, हमारे स्काई तो क्लियर है पर मून दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर ये सारे चीज होने वाला है अगर आप स्केच करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आइए देखते हैं, जिस दिन गोलाकार उसे क्या कहते हैं, जिस दिन नहीं दिखता है उसे क्या कहते हैं। द डे ऑन व्हिच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। पूर्णिमा बोलते हैं जिसे फुल मून डे कहते हैं। तो फिर उसी दिन आपको चंदा मिलेगा परफेक्ट गोल। देयरफॉर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। पूर्णिमा के अगले दिन से एक एक दिन करके आप देखेंगे तो उसका साइज एक पार्ट जैसे चला जाएगा, पूरा गोलाकार नहीं रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, तो अपीयर थिनर और थिनर हो जाएगा, ये और छोटा छोटा पड़ता जाएगा। ऑन द 15th डे, एक दो तीन चार करके आप देखते जाएंगे फुल मून डे परफेक्ट गोल। ऐसे 15th डे, फुल मून के 15th डे में आप देखेंगे, उसके 15 दिन बाद आप देखेंगे मून इज नॉट विजिबल, द डे इज नोन एज द न्यू मून डे। तो फिर 15 दिन बाद तो आपको चंदा मामा पूरा गायब, बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसी को अमावास कहते हैं। द डे इज नोन एज द न्यू मून डे। ओके, द नेक्स्ट डे ऑल ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। तो न्यू मून डे यानी कि अमावास के दिन, जहाँ जिस दिन की हमको चंदा बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता, उसके अगले दिन आप देखेंगे कि बहुत ही छोटा सा पार्ट सिकिल जैसा वो दिखाई पड़ रहा है ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। दिस इज नोन एज द क्रेसेंट मून। ठीक है, इसे कहते हैं क्रेसेंट मून। तो उसका शेप ऐसे सी शेप जैसा होता है, यानी कि सिर्फ थोड़ा सा ऐसे होके रहेगा, इसे कहते हैं क्या, क्रेसेंट मून। ठीक है, तो फिर क्रेसेंट मून क्या है, जहाँ पर जिस दिन पर चंदा बहुत ही ऐसे थीन दिखाई पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट, देन अगेन द मून ग्रोस लार्जर एवरी डे। तो एक दिन इतना दिखाई पड़ा, फिर अगले दिन और थोड़ा सा बड़ा, अगले दिन और थोड़ा सा बड़ा, तो फिर ऐसे होके उसका आकार बढ़ता बढ़ता जाएगा। पहले दिन ऐसा, फिर सेकंड दिन ऐसा, तो फिर थर्ड दिन को ऐसा, ये एक नंबर दिन हुआ, ये दो नंबर दिन, ये तीन नंबर दिन, ऐसे ऐसे करके आपको फिर लास्ट को ये दिखाई पड़ेगा पूरा ही पूरा गोल। और ये कब होगा, ये होगा हमारा फुल मून डे। तो इसे क्या कहेंगे, एक नंबर दिन, इसे कहेंगे क्रेसेंट मून, और इसे क्या कहेंगे, फुल मून डे। अब जब नो चंदा बिल्कुल ही नहीं, इसे क्या कहेंगे, नो मून, न्यू मून डे। ओके, क्लियर।
तो अब हम इस सब को जाने देते हैं. देन अगेन द मून ग्रोज वेरी लार्जर एवरी डे. ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट ए फुल व्यू ऑफ मून. 15th डे में हमको फिर फुल व्यू मिल जाएगा. द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून. ये जो मून की भाग भाग करके शेप जो चेंज हो रहा है और उसका ब्राइट पार्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, और ये पूरा होने के लिए एक फुल मून से दूसरा फुल मून तक एक मंथ कवर हो जाता है, और इसे कहते हैं फेजेस ऑफ द मून. तो फेजेस ऑफ मून मतलब क्या है? द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ. एक मंथ के टाइम में जो उसका ब्राइटनेस घटता जाता है और बढ़ता जाता है, इसी को कहते हैं फेजेस ऑफ द मून. फेजेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ. ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून. फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये फेजेस ऑफ मून का हमारे सोशल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत ही इम्पोर्टेंस है. इसी हिसाब से हमारे त्यौहार सारे मनाए जाते हैं, जैसे कि दिवाली हुआ, कब मनाया जाता है? अमावस्या के दिन, यानी कि न्यू मून, जबकि मून बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे हम कहेंगे न्यू मून डे. फिर बुद्ध पूर्णिमा आता है, गुरु नानक जयंती आता है, ये सबका बर्थडे होता है, तो वो कब होता है? ये होता है फुल मून डे को होता है. महाशिवरात्रि कब होता है? ये 13th नाइट महाशिवरात्रि जो है, ये 13th नाइट ऑफ वनिंग मून होता है. तो फिर ईद कब होता है? ईद उल फितर भी मनाया जाता है, क्रेसेंट मून के दिन मनाया जाता है ईद उल फितर. तो फिर ये सारे जो हमारे फेस्टिवल्स है, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द मून. तो फिर मून के हिसाब से ही ये सारे कंट्रोल्ड है. तो मून का बहुत ही अहमियत है हमारे सोशल लाइफ में. द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज. इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड ए मंथ. तो एक फुल मून डे से दूसरे नेक्स्ट फुल मून तक ये कितने दिन रहता है? 29 डेज से थोड़ा ज़्यादा, और इसे क्या कहते हैं? वन मंथ. उसे कहते हैं वन मंथ, यानी कि वन मंथ किसे? वन फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून, जो कि 29 डेज से थोड़ा ज़्यादा, उसे कहेंगे हम वन मंथ. व्हाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे? तो फिर ये मून का शेप ऐसे क्यों चेंज होता है, इसका डिटेल में हम यहाँ पर जानते हैं. Let us try to understand why phases of the moon occur. तो फिर ये phases of moon क्यों होता है? You have studied in chapter 16 that the moon does not produce its own light, whereas the sun and the other stars do. आपको पता है sun का अपना light रहता है, वो emit करता है, पर moon का है जो अपना light नहीं होता है. Planets लोगों का भी अपना light नहीं होता है. तो फिर moon का जो lighted part दिखता है वो कैसे दिखता है? वो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो कि सन से आता है. वेयर इज द सन एंड द स्टार्स डू. तो फिर सन और स्टार का अपना लाइट रहता है. वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस. तो फिर मून को हम कैसे देख पाते हैं? उसका तो खुद का लाइट नहीं है. तो फिर ये लाइट जो हम देख पाते हैं, सूरज से होके लाइट गिरता है मून के ऊपर, मून से होके ये रिफ्लेक्टेड होके हमारे पास आता है. तो फिर हमको मून दिखता है. देयरफॉर वी सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम व्हिच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस. तो फिर सूरज से होके लाइट आके मून के वहाँ आएगा, मून से होके रिफ्लेक्टेड होके हमारे और आएगा. इसीलिए हम मून की सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं, जिस पार्ट से लाइट रिफ्लेक्टेड होके हमारे और आता है. तो फिर इसी हिसाब से, तो फिर आप ये मत समझिए कि मून का भी अपना लाइट है, ये बिल्कुल भी उसका अपना लाइट नहीं है. आइए एक्टिविटी 2 में क्या करता है. 17.2 में हम देखते हैं, टेक ए बिग बॉल और ए पिचर. एक बड़ा सा बॉल या फिर घड़ा लीजिए, पेंट हाफ ऑफ इट व्हाइट एंड हाफ ब्लैक. उसका आधा को ब्लैक करना है. ये देखिए, आधा को आपको ब्लैक करना है, जैसे ये दिया गया है, और आधा को आपको ब्लैक और आधा व्हाइट करना है. क्लियर? Go out into the playground with two of your friends. Draw a circle of radius about 2 meter on the ground. तो 2 meter का एक ground करके ये है, इसका दूरी हो गया हमारा 2 meter of the ground. Divide the circle into 8 equal parts as shown in figure 17.4. तो इसको 8 equal part करना है कैसे? यहाँ एक, ये हो गया हमारा 4, और 1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा 8 भाग हो गया. ठीक,
तो स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, देखो ये कैसे पूरा बीचों बीच खड़ी है। आस्क ए फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्किल, आस्क हर टू कीप द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल और वेस्ट टुवार्ड्स द सन। तो फिर एक फ्रेंड ने ऐसे सिर्फ व्हाइट पर्सन को ही उसको दिखा के रखा है, यानी कि सिर्फ ये व्हाइट पर्सन ही उसके और वो देख पाएगा, जैसे हम चंदा की सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं, यही है वो व्हाइट पार्ट। तो फिर ये कंटिन्यूअसली इसके और ही दिखेगा। इफ यू आर आस्क हर टू कीप द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड्स द सन। इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन द मॉर्निंग देन द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी कैप्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। अगर अगर आप मॉर्निंग में ये एक्टिविटी कर रही हैं, तो क्योंकि सूरज हमको दिखेगा ईस्ट की ओर से, इसीलिए आपको व्हाइट पार्ट को ईस्ट की ओर मूव करके रखना है। इफ द एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द आफ्टरनून, अगर ये आप आफ्टरनून में ये एक्टिविटी कर रही हैं, आपका साइंस का पीरियड अगर रिसेस के बाद है, आफ्टरनून में है, तो फिर आप क्या करेंगे, व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी कैप्ट टुवार्ड्स द वेस्ट, आपको वेस्ट की ओर मुंह करके उसको रखना पड़ेगा व्हाइट पार्ट को। इन सच केस द लाइन डिवाइडिंग द व्हाइट एंड द ब्लैक पोर्शन इज कैप्ट वर्टिकल, तो फिर ये लाइन को आपको हमेशा ऐसे वर्टिकली सीधा ही रखना है। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑब्जर्व द विजिबल व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल व्हाइल योर फ्रेंड स्टैंड्स एट द पॉइंट ऑन द सर्किल, तो फिर आपको हमेशा ये व्हाइट पोर्शन ही दिखना चाहिए। ऑफ द अर्लियर, तो स्टैंड एट द पॉइंट ऑन द सर्किल मार्क अर्लियर, ड्रॉ द शेप ऑफ द व्हाइट पोर्शन एज यू सी इट, तो फिर धीरे धीरे आप खिसकते जाएंगे। कंपेयर योर ड्रॉइंग विद द डिफरेंट फेजेज ऑफ द मून एज शोन इन फिगर 17.5। तो फिर जैसे ही आप इस तरफ आने लगेंगे, तो फिर ये व्हाइट पर्सन का पूरा ही आधा आपको व्हाइट नहीं दिखने लगेगा, ये क्या होगा उसका धीरे 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 व्हाइट पर्सन आपको कम दिखने लगेगा, क्योंकि सूरज का रिफ्लेक्शन इतना कम होगा, इसी हिसाब से हमारे मून भी हमको धीरे धीरे कम दिखाई पड़ता है, हमको मून पूरा की पूरा नहीं दिखाई पड़ता और फिर वो अलग से दिखता है। आए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ अलोंग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो फिर मून अर्थ के चारों ओर घूमता है और अर्थ जो है मून को साथ लेकर ये सन की चारों ओर घूमता है। ये हो गया हमारा सन, ये हो गया हमारा अर्थ, और अर्थ के चारों ओर ये हो गया हमारा मून, तो फिर ये तीनों साथ साथ ऐसे ही सन के चारों ओर अर्थ घूमेगा ऐसे होके, और अर्थ को अर्थ भी अपने मून को साथ साथ लेकर जाएगा। कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, तो फिर मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून, तो फिर आप ये तीनों का पोजिशन फुल मून डे में क्या रहेगा और न्यू मून डे में क्या रहेगा ये आप पता कर पाएंगे। तो फिर आइए चलिए आगे चलते हैं। दिस पोजिशंस इन योर नोटबुक, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून, तो फिर द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेस ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे, तो न्यू मून डे में आपको बिल्कुल ही चंदा नहीं दिखाई पड़ेगा न्यू मून डे में, इसके बाद आपको चंदा का जो ब्राइट पार्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आफ्टर द फुल मून डे द सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेस इन साइज एवरी डे, और फुल मून डे के अगले दिन से आप देखेंगे कि चंदा का जो ब्राइट पार्ट है वो धीरे धीरे कम विजिबल होने लगेगा, यानी कि डिक्रीज इन साइज एवरी डे, आपको साइज डिक्रीज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो आई हैव हार्ड दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इज इट ट्रू, तो फिर हमको मून का सिर्फ एक ही पार्ट दिखता है, अगला पार्ट हमको नहीं दिखता है, जो साइड हम देख रहे हैं बरसों से बस वही एक ही साइड देख रहे हैं, दूसरा साइड हम बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं, हम एक ही साइड देखते जाते हैं। एक्टिविटी 17.3, एक्टिविटी 17.3 में ड्रॉ ए सर्किल ऑफ अबाउट 1 मीटर डायमीटर ऑन द ग्राउंड, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्किल, यू रिवॉल्व अराउंड योर फ्रेंड इन सच ए मैनर दैट योर फेस ऑलवेज रिमेन्स टुवार्ड्स हिम, तो ऐसे ही करके जैसे हमने बॉल को लिया, आपको एक फ्रेंड को आप सूरज बनाइए, एक फ्रेंड को आप चंदा बनाइए,
अर्थ बनाइए और इस हिसाब से आप प्रदक्षिण कीजिए. कैन योर फ्रेंड सी योर बैक, तो आपको एक ही तरह मुंह करके रखना है. हमको इस एक्टिविटी में क्या करना है, आस्क योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द, आपकी फ्रेंड सर्किल के बीचों बीच रहेगा और आप उसके चारों ओर प्रदक्षिण करेंगे. तो आपको ऐसे प्रदक्षिण करना है कि आपके मुंह को टर्न नहीं करना है, हमेशा आपकी फ्रेंड की ओर देखते रहना है. कैन योर फ्रेंड सी योर बैक, तो ऐसे में आपके फ्रेंड आपके बैकसाइड नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा क्योंकि आप हमेशा अपनी फ्रेंड की ओर मुंह करके रखे हैं. तो आपका फ्रंट साइड जो है वो सामने ही दिखेगा और आपकी पीठ जो है वो पीछे की ओर रहेगा. हाउ मेनी रोटेशंस डिड यू कंप्लीट इन वन रिवोल्यूशन, तो फिर वन रिवोल्यूशन में ऐसे आपके इतने सारे रोटेशन किए. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए सिमिलर मैनर, तो फिर ऐसे ही मून हमारे अर्थ की चारों ओर ऐसे ही घूमता है सामने की ओर किए हुए. द मून कम्प्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कम्प्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, तो उसको अर्थ की चारों ओर घूमने के लिए जितना टाइम लगता है अपनी चारों ओर घूमने के लिए इतना ही टाइम लगता है, इसीलिए हमको सिर्फ एक ही साइड दिखाई पड़ता है. तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है द मून सरफेस, ये हम शुरू करेंगे पार्ट टू में. ओके थैंक यू. हेलो, विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट चैप्टर अपलोडेड बाय मी. थैंक यू.